अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम किस तरह बैकग्राउंड लाइटनिंग इफ़ेक्ट क्रिएट कर सकते हैं फ़ोटोशॉप में। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जी दोस्तों, जिस पिक्चर का लाइटनिंग इफ़ेक्ट क्रिएट करना है आपको, उसको सेलेक्ट करके ड्रैग कर लें फ़ोटोशॉप में या ओपन कर लें। माउस के लेफ्ट बटन से डबल क्लिक, ओके। अब हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड डिलीट करेंगे। मैजिक वन टूल सेलेक्ट, लेफ्ट बटन प्रेस। डिलीट, कंट्रोल डी, जूम, मैजिक वन टूल अगेन, डिलीट, कंट्रोल डी, जूम, कंट्रोल डी, कंट्रोल ज़ीरो। ये हमारे पास इमेज आ चुका है जिसकी हमने बैकग्राउंड लाइटिंग करनी है। लेयर वन नीचे कर दें, लेयर ज़ीरो ऑफ कर दें, कलर में जाइए और कोई भी बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर दें। अब सेकंड कलर यूज़ करेंगे हम, ब्रशेस क्लिक टू ओपन, सेटिंग्स में जाएंगे लेफ्ट बटन प्रेस करके और लोड ब्रशेस। ये हमारे पास लाइटिंग इफेक्ट ब्रशेस हैं, इनको लोड कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन में आपकी आसानी के लिए ब्रशेस डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप आसानी डाउनलोड कर लेंगे। तो चलिए लाइटिंग इफेक्ट अप्लाई करते हैं। थोड़ा जूम किया, लेयर ज़ीरो ऑन कर दें, फाइल सेव एज जेपैक सेव वगैरह है। डू यू वांट टू रिप्लेस इट, तो हम रिप्लेस भी कर सकते हैं या फिर न्यू फाइल भी बना सकते हैं। तो हमने न्यू फाइल बनाई है, चलिए देखते हैं। जी दोस्तों, ये हमारी सेव्ड फाइल आ गई और ये ओरिजिनल इमेज। आप देख सकते हैं कि किस तरह आप अपनी पिक्चर्स को बहुत ही प्यारा बना सकते हैं। तो दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।